हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये किचन टिप्स देने वाली हूँ कि आप किचन में क्या काम, ये ऐसा काम है जिसको कि हर कोई नहीं जानता, जो कि बहुत ही अहम और ज़रूरी है। किचन में छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं और अक्सर वो सिंक में ज़्यादातर होते हैं, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आप इसको अगर सिंक में डालोगे तो इससे आपकी सिंक में कॉकरोच भी नहीं होंगे और आपको धीमी धीमी खुशबू भी उसमें से आएगी। तो इसलिए मैं आपके लिए ये बताने वाली हूँ कि ये है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, 10 रुपये का ये पैकेट आता है, जो कि ये कपूर की गोलियाँ इनको कहते हैं हम। ये कपूर की गोलियाँ हैं, मार्केट में ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो चाहे तो आप 2 डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी हैवी खुशबू चाहिए, अन्यथा आप किचन में हमेशा 1 गोली डाल के रखें। ये धीरे धीरे करके अपने आप ही पूरी गल जाती है, एक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप उसमें दूसरी डाल सकते हैं। इससे ना तो कॉकरोच आते हैं और आपकी किचन में बिल्कुल भी आपकी सिंक में बदबू नहीं होगी। और अगर आपकी किचन में थोड़े ज़्यादा कॉकरोच हैं तो आप इनको कई जगह भी डाल सकते हैं। ये गोली आप बासबेसन में भी डाल सकते हैं, इसमें तो थोड़ी हल्की हल्की लाइट खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। बांस बेसन और सिंक में डालने के लिए बहुत ही अच्छी गोलियां हैं और ना ही इनका कोई ज़्यादा प्राइस है। ये 10 रुपये का पैकेट आता है जिसमें कि कम से कम 20 गोली आती हैं, तो इसलिए आप इसको लें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अक्सर लोग इनको बड़े बड़े बक्सों में, जिसमें हम बिस्तर रखते हैं या ज़्यादा दिन तक स्टोर हुए जो कपड़े रखे रहते हैं हमारे ऊनी, उनमें भी इनको डालते हैं जिससे कि उनमें कीड़े ना आए। इनसे किसी भी प्रकार के छोटे मोटे कॉकरोच नहीं आते हैं। लेकिन इस उपयोग को सभी लोग जानते हैं कि इनका कपड़ों में उपयोग किया जाता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि ये हमारे लिए किचन में भी उपयोगी है। आप इसको किचन की सिंक में डालें और इसका फ़ायदा उठाएँ। और आप इससे, आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप इसको मुझे अवश्य बताएँ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।